दोस्तों, कैसे हो? फिर से आ गया हूँ एक प्रोग्रेसिव लेकर के, जो बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा उसका डायोग्राम बना हुआ है, और जो डिज़ाइन है उसका वो भी बहुत अच्छा है। ऑलमोस्ट किरजाल की डिट्टो कॉपी की हुई है, बट ये है ब्रांड के अंदर। ब्यूटी ग्लास, आपने नाम सुना होगा ब्यूटी ग्लास, जो किरजाल भी प्रोवाइड कराती है। एक ब्रांड है अलग से, NK, इसका एक फॉग ID आता है नेचुरल लुक करके। ये है वो लेंस, आप देख सकते हो यहाँ पे नेचुरल, आप देख सकते हो ब्रांडिंग नेचुरल कोट, इसके ऊपर NK का मार्किंग आता है, वो भी मैं आपको फिटिंग करने के बाद दिखाऊंगा। और अगर मैं आपको ये लेंस दिखाऊं तो लेंस जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइन में आता है, जो डिज़ाइन प्रोग्रेसिव की जो होती है ना, जो मार्किंग आप डिज़ाइन देख रहे हो, जो डायग्राम इसके अंदर बना हुआ है, ये किरजाल SLR बेसिकली प्रोवाइड करवाता है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल डिट्टो उसी डिज़ाइन में बनवाया, और ये किरजाल लेंसेज को भी प्रोवाइड करवाते हैं सेम नेचुरल लुक के अंदर। किरजाल कोट भी इन्होंने पेटेंट ले रखा है, बनाते हैं। बहुत अच्छा लेंस है, बहुत अच्छी क्लैरिटी के साथ आता है। UV रेज प्रोटेक्शन है इसके अंदर, एंटी ग्लेयर है, एंटी डस्ट है, एंटी फॉग आता है, सुपर हाइड्रोफोबिक लेंस है ये, और MR8 भी होता है ये लेंस। अगर मैं इसका साउंड आपको सुनाऊँ ना, तो ये MR8 भी है, बहुत अच्छी क्लैरिटी वाइज मेरे हिसाब से। और दूसरा डिजिटल है, और डिजिटल की क्या खासियत होती है कि अगर आप प्रोफेशनल हो, अगर आप बैंकिंग जॉब में हो या कोई भी आपका ऑफिस वर्क है, अगर आप प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और रही बात इसके सूट होने की, तो मैं सूट होने की मेरी पूरी अश्योरिटी है यार कि अगर आप ये प्रोग्रेसिव यूज़ करते हो, जितने भी जिनकी एज 40+ है, अगर वो प्रोग्रेसिव बनवाना चाहते हैं तो कोशिश ये करो। मैं ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं इनको कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक क्वालिटी बता रहा हूँ आपको कि इसकी क्या क्वालिटी है। वाकई में ये बहुत अच्छा लेंस है, ब्रांड के अंदर और नॉर्मल रेंज में बहुत रीजनेबल इसका प्राइस है। अगर आपको ये बाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का ID का लिंक है, आप वहाँ पे जाकर के मुझे DM कर सकते हो, इसका प्राइस मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहाँ पे मैसेज कर दूंगा। और बहुत अच्छा लेंस है, विद फिटिंग अगर आपको चाहिए तो फिटिंग के साथ मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ये लेंस चाहिए, आप फिटिंग कहीं से भी करवा सकते हो तो ये भी प्रोवाइड आपको हो जाएगा। अभी तक मैंने जिन जिन को ये लगा करके दिखाया है, नो डाउट अभी तक किसी में कंप्लेंट नहीं आई है, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई शूटिंग की प्रॉब्लम बताई नहीं है किसी ने। तो देखते हैं इसकी फिटिंग और फिट होने के बाद ही किस तरह इसका डिज़ाइन आता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो मिलते हैं इसकी फिटिंग की वीडियो में, ठीक है। देख सकते हो इसकी पैकिंग, और अगर आप किरजाल की प्रोग्रेसिव अगर आप लेना चाहते हो और चीप रेंज में, तो आप ब्यूटी ग्लास का जो नेचुरल कोट है, लेकिन नेचुरल कोट में तो नहीं आएगा, वो ब्यूटी ग्लास के अंदर किरजाल कोट एक लेंस आता है, लेकिन वो नॉर्मल SLR कंपनी के थ्रू ना बनवा करके अगर आप ब्यूटी ग्लास के थ्रू बनवाते हैं तो वो आपको थोड़ी सी सस्ती पड़ जाएगी। और इस फ्रेम के अंदर हम करने जा रहे थे फिट, ये देख सकते हो आप कुछ डिज़ाइन इस तरह का इसका डिज़ाइन है। और आज हम इसके अंदर जो ब्लैक कैट टाइप फ्रेम देख रहे हो, इसके अंदर हम इसको फिट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सेंटर देख सकते हो, इसी सेंटर पर प्रोग्रेसिव की फिटिंग होगी, ये उस कस्टमर की है जो हमने ली हुई है, उसका इसी डायग्राम पे फिट होगा। तब चलते हैं इस लेंस की कटिंग के, और ये मार्किंग इसकी हमने कर दी है, और मार्किंग करने के बाद जाएंगे अब हम इसकी कटिंग करने। और थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि जो आप ऊपर का जो राउंड सर्कल है वो होता है डिस्टेंस का, और बीच में जो प्लस बना हुआ है वो प्लस और डॉट तक मिडल आ जाता है, और नीचे का पूरा एरिया डिजिटल प्रोग्रेसिव में आपको वो रीडिंग का मिलता है। तो अब चलते हैं इसकी कटिंग होने के बाद, देखते हैं फिटिंग में। और ये हो चुका है फाइनली फिट, और फिटिंग होने के बाद कुछ इस तरह से इसके अंदर ये लग रहा है, बहुत अच्छा, और थिकनेस भी बिल्कुल भी नहीं है, नंबर इसका ज़्यादा था नहीं तो। और यहाँ पे मैं आपको अब दिखाने जा रहा हूँ इसकी ब्रांडिंग, ये आप देख सकते हो फॉग ID पे NK UV करके लिखा हुआ आ रहा है, शायद आपको मैं भी दिखान, ये रही इसकी पूरी फिटिंग। और दूसरे लेंस पे भी अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है NK UV, ये है इसकी मेन ओरिजिनलिटी की पहचान।
इसकी थी फिटिंग, जैसा कि आपने देखा कुछ इस तरीके से ये आता है फिट होने के बाद सेटिंग में। मुझे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा, लेकिन मैं आपको एक डिज़ाइन दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ये वाला जो पोर्शन होता है ये होता है मिडल, बीच का प्लस सॉरी ये वाला जो इस पोर्शन होता है डिस्टेंस, बीच का होता है मिडल, और ये जो पूरा एरिया ये आपका रीडिंग में यूज होता है। ठीक है, तो वीडियो को करता हूँ ख़त्म। आई होप ये वीडियो आपके लिए मैसेजफुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोडक्ट और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।